ये हैं 10 लाख रुपए, मेरे अकाउंट में जमा कर दे। इतना सा बंदा था और इतने सारे पैसे जमा करा गया। दूसरे दिन। ओ नाना नाना, इसमें डालो। ये हो रहे हैं 10 लाख रुपए, मेरे अकाउंट में जमा कर दो। ओह नो। ठीक है। यार ये टिड्डा मुझे इस शहर में नया नया लगता है, लेकिन ये आए रोज इतने सारे पैसे लाता कहाँ से आया आखिर? अब की बार अगर आया ना तो इसे पूछूंगा कि ये क्या काम करता है। तीसरे दिन। ओह नो। ये और 10 लाख रुपए हैं, मेरे अकाउंट में जमा कर दो। ओ रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, बैठो इधर। छोटी दुनिया के बड़े बादशाह सलामत, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ जल्दी पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। आपसे पूछना ये था कि आप इस शहर में मुझे नए नए लगते हैं, पहले तो आपको कभी नहीं देखा, आप ये इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं? मेरा एक बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस, कैसा बिजनेस, जरा मुझे तफसील के साथ तो बताएं। मेरा बिजनेस ये है कि मैं लोगों के साथ शर्तें लगाता हूँ, वहाँ से जो पैसे जीतता हूँ आपके पास आके जमा करवा जाता हूँ। कैसी शर्त, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मुझे आपके बाल नकली नजर आते हैं, कहते हो तो इसी बात पे शर्त लगा लेते हैं। बाल तो मेरे असली हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है कि नकली हैं? ओ अच्छा, ये मेरे साथ पहली बार शर्त लगा रहा है ना, इसलिए जानबूझ के मुझसे हारना चाहता है। ठीक है, मुझे क्या, लगा लेता हूँ। ओ नहीं नहीं भाई, बाल मेरे असली हैं, तुम्हें इस बात पर जितनी मर्जी शर्त लगानी है लगाओ, मैं तैयार हूँ। ठीक है फिर, लग गई शर्त 1-1 लाख रुपए की। अगर तेरे बाल असली हुए तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, अगर तेरे बाल नकली हुए तो फिर तू मुझे 1 लाख रुपया देगा। ठीक है डन। कल मैं वकील को अपने साथ लेके आऊंगा, वही फैसला करेगा। ठीक है, 1 लाख रुपया तो मैं ही जीतूंगा टिड्डे, क्योंकि मेरे बाल असली हैं। अगले दिन। बाल तो मेरे असली हैं, 1 लाख रुपया तो मेरा ही होगा। हाँ भाई तैयार हो शर्त के लिए, मैं वकील को साथ लेके आ गया हूँ। जी जी भाई मैं तैयार हूँ, मैं तो आज भी तैयार हूँ, मैं तो कल भी तैयार, मेरे बाल असली हैं, चेक करवाओ। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ फिर। हाँ जी बताओ। ठीक है भाई, आप शर्त जीत गए हो, वकील साहब इसको 1 लाख रुपया दे दो। ओह नो। ये बाकी 9 लाख मेरे अकाउंट में जमा कर दे। रुको भाई जान, ये कैसी शर्तें आप लगाते हैं, शर्त भी आप हार जाते हैं, फिर भी आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ जाता है? अरे भाई मैं आपको समझाता हूँ, आपकी और मेरी 1 लाख रुपए की शर्त लगी थी नकली बालों पे, जो कि मैं हार गया हूँ। इस वकील के साथ मेरी शर्त लगी थी 10 लाख रुपए की। वकील साहब कहते थे कि आप बैंक मैनेजर के बाल नहीं खींच सकते, जो मैंने बाल खींच लिए, जो कि मैं इनसे 10 लाख रुपए जीत चुका हूँ। 1 लाख रुपया आपको दिया, 9 लाख मुझे बच गया। अरे टिड्डा तू तो बड़ा तेज निकला,